नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि आप शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं आपको, डेली आपको दो टॉपिक रेगुलर मिलेंगे विद MCQ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं जो पिछली 10 साल की, पिछली 5 साल की परीक्षाओं में आ रखे हैं आपके RO PCS के या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, वो सभी प्रश्नों को साथ में लेकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल क्रैश कोर्स है जी। RO की परीक्षा को ध्यान में रखकर के आप तैयारी कर लीजिए। दिसंबर में योगी जी ने कहा है 40,000 और भर्ती आनी है, इस वजह से आपको हताश और निराश नहीं होना है। जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं तो आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, रेगुलर रखिए। ऐसा नहीं कि किताबें छोड़ दी आपने, है ना। नंबर आपके जितने भी अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छा आपने मेहनत करी, लेकिन फिजिकल करने के साथ साथ आप किताबों को हाथ में ही रखिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जैसा भी हो सके आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो इसी क्रम में डेली जो आपको प्रतिदिन नित्य दिन एक बिल्कुल क्रैश कोर्स चलेगा आपका RO की परीक्षा को ध्यान में रख करके, ठीक है। और भी सभी एग्जाम के लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं, इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़िए हमारे साथ। नए आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो चैनल को अवश्य शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है। तो आज हमारा पहला वीडियो है, पहला टॉपिक है संविधान को। संविधान का पहला है, डेली आपको नित्य दिन हर एक टॉपिक मिलेगा। आज प्रस्तावना को पढ़ा रहे हैं, अगला टॉपिक फिर दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा, लगातार रेगुलर टॉपिक मिलेंगे। और एक प्लेलिस्ट महाद्वीपों के विषय में पढ़ा रखी है मैंने, जो कॉन्टिनेंट है हमारे, महाद्वीप हैं, उनको भी आप पढ़ते रहिए रेगुलर। वो भी क्लास आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री, निःशुल्क आपको वो क्लासेस मिल रही है। तो पहली क्लास है, जुड़िएगा आप हमारे साथ। तो प्रस्तावना के विषय में बात कर लेते हैं इस क्लास में। देखिए ये हमारी भैया संविधान की प्रस्तावना है। तो देखिए प्रस्तावना से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं, आमुख भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं मेरे भाई, देखिए उद्देश्य का भी बोलते हैं, प्रस्तावना भी बोलते हैं और आमुख भी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये तीनों शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आमुख भी बोलते हैं, उद्देश्य का, प्रस्तावना, आमुख, ठीक है। तो उद्देशिका की बात करते हैं। सबसे पहले जब हम भारतीय संविधान को पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमारी प्रस्तावना क्या है ना। संविधान में हमें क्या मिलेगा, पढ़ने को क्या मिलेगा, कौन कौन से अधिकारों के बारे में हमें बताया गया है, कौन से कर्तव्यों के बारे में हमें बताया गया है, किस प्रकार के आपातकालीन अधिकार हैं भारत के संविधान में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है ना, प्रधानमंत्री के क्या प्रोसेस है, लोकसभा, राज्यसभा, भारतीय संसद के बारे में क्या प्रावधान है हमारे यहाँ। तो इन विषयों में पढ़ेंगे हम आगे चल के, और हमारा संविधान जो है वो किन चीजों पर टिका हुआ है, किन चीजों पर काम करता है, मूल तत्व उसके क्या है। तो प्रस्तावना के भीतर बेटा वो बताया जाता है। प्रस्तावना के अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे। तो देखिए उद्देशिका, प्रस्तावना या आमुख। सबसे पहले बात करें तो उद्देशिका का जो विचार रखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में रखा था। इस लाइन को आप नोट कर लेना, 13 दिसंबर 1946 को रखा था संविधान सभा की बैठक में, है ना। कौन सी बैठक थी, 13 दिसंबर वाली, तीसरी बैठक थी, अंतिम बैठक थी, यानी कि अंतिम नहीं बोलेंगे, पहली जो 3 बैठक हुई थी उसमें अंतिम थी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए तो प्रस्तावना में कौन से शब्द शुरू होते हैं, देखिए हम भारत के लोग, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, हम भारत के लोग, ठीक है। ये प्रश्न भी बेटा पूछा गया है एग्जाम में, उठा करके बेटा MPPCS में पूछा गया बेटा। ये यहां से कौन से एग्जाम में, MPPCS में पूछ लिया गया, प्री एग्जाम में। जो प्रस्तावना है वो कौन से शब्द से शुरू होती है बेटा, हमारी प्रस्तावना कौन सी लाइन से शुरू होती है, हेंस, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि हमारा जो देश है उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है भाई साहब, हमारे देश के आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत बिल्कुल स्वतंत्र है अपने मामलों में, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि किसी का औपनिवेशिक शासनकाल, यानी कि किसी का जैसे गुलाम था उस समय हमारा राष्ट्र, इस तरीके से नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व है, अपने स्तर पर कार्य कर सकता है भारत, ठीक है, स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन से न्याय दिए जाएंगे? सामाजिक न्याय होगा एक भाई साहब, आर्थिक न्याय होगा और एक कौन सा होगा आपका? राजनीतिक न्याय होगा। ये तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान के भीतर। लेकिन उससे पहले यहां से पढ़ते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को तीन न्याय दिए जाएंगे, है ना। समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ये दोनों शब्द भी जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ये मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय प्रस्तावना में इनको लाया गया था। समाजवादी यानी कि समाज के सभी वर्गों का हित करना है, जो भी भारत के भीतर रहते हैं समाज के सभी वर्गों तक हित पहुंचाना है, सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाना है, ठीक है, समाजवादी ये शब्द रखा गया। धर्मनिरपेक्ष यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र के सभी धर्म बराबर होते हैं। जो राष्ट्र का मुखिया होता है, जो राष्ट्र का मुखिया चुना जाता है, उसके लिए कैसे हैं? सारे धर्म बेटा बराबर हैं। ये यदि कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, तो सारे धर्म बराबर हैं, ये उस बात की बात करता है, ये वाला शब्द बेटा धर्मनिरपेक्ष। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों का तंत्र है भारत में, किनका तंत्र बेटा? लोगों का, जनता का तंत्र है भारत में। सर्वोच्च कौन है? भारत में जनता सर्वोच्च है बेटा। कौन सर्वोच्च है? जनता ही सर्वोच्च है। किसी भी पद पर जनता के माध्यम से ही प्रतिनिधि बैठता है, किसी भी पद पर आसीन होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव चाहे प्रत्यक्ष हो रहा हो अप्रत्यक्ष, लेकिन जनता के माध्यम से ही होता है सब, पूरा का पूरा, है ना। तो लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य मतलब ये गणराज्य वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इसमें प्रस्तावना में। गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि बेटा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में कैसा शासन नहीं है? वंशानुगत नहीं है। भारत में जो शासन है वो कैसा है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य शासन है, यानी कि व्यक्ति यहाँ पे चुना जाता है, कोई भी प्रतिनिधि होगा चुना जाएगा भारत के भीतर, चाहे छोटा पद हो प्रधान या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, जो भी व्यक्ति होगा वो चुनाव लड़के ही पद पर आसीन होगा, वंश के आधार पर नहीं होता हमारे देश में, है ना। तो गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए जाने चाहिए, आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों को समानता के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और सामाजिक में क्या होना चाहिए? सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है। और ये तीन प्रकार के न्याय कहां से प्रेरित हुए? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, वहां से प्रेरित हैं, वहां से लिए गए ये 1917 की रूस की क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तीन प्रकार के। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी है भाई संविधान में, हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, विचार रखने की आजादी है, कोई रोक टोक नहीं है। धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी पूजा पद्धति को मानने की स्वतंत्रता। उपासना मतलब पूजा पद्धति, किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हैं, किसी भी पूजा पद्धति को मान सकते हैं भारत में, तो उसकी स्वतंत्रता है आप सभी लोगों को, भारत के समस्त नागरिकों को। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता प्राप्त करने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। एकता और अखंडता, भारत कैसा रहना चाहिए? एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, यानी कि भारत को विभाजन से बचाना चाहिए, भारत का कभी भी किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं होना चाहिए, अखंड भारत रहना चाहिए, ठीक है, एक भारत रहना चाहिए, एकता के साथ रहना चाहिए, यूनिटी के साथ रहना चाहिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता और लोगों में भाईचारा रहना चाहिए। भारत के समस्त नागरिकों में क्या रहना चाहिए? भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे की मिसाल रहनी चाहिए, इस बात की संदेश देती है प्रस्तावना हमारी। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को अपना लिया गया। कब अपना लिया गया? 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया प्रस्तावना को, संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान सभा ने अपना लिया। इसे उद्देश्य का प्रस्तावना, आमुख, कुछ भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रीएम्बल बोलते हैं बेटा। तो ये प्रस्तावना है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक लाइन से प्रश्न उठते हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को, जैसे यहां पे मैंने कुछ प्रश्नों को लिखा, जैसे संप्रभुता शब्द आया था। संप्रभुता का अर्थ क्या है, एक बार फिर रिपीट करा देता हूं। भारत के आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत स्वतंत्र है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे बाहरी मामले हों या भारत के अंदर के मामले हों, उनमें भारत स्वतंत्र है अपने मामलों में निर्णय लेने के लिए। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया, संप्रभुता का अर्थ ये हो गया। अगला शब्द गणराज्य, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। गणराज्य का अर्थ होता है बेटा वंशानुगत शासन नहीं है भारत में। भारत में कैसा शासन नहीं है बेटा? वंश के आधार पर नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। कहां नहीं है बेटा? भारत में नहीं है वंशानुगत शासन। गणराज्य भारत कैसा उदाहरण है? गणराज्य भारत। अगला देखिए पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म निरपेक्ष के नाम से था। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है बेटा सर्व धर्म संभाव, सर्व धर्म संभाव। यानी कि भारत कैसा देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को आजादी है, सारे धर्मों के लोग रह सकते हैं आराम से, कोई किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है ना, ना कोई अधिकारों को समाप्त कर सकता है। सभी को अपने धर्मों को, अपनी मान्यताओं को मानने का संपूर्ण अधिकार है, अपने रीति रिवाजों को, अपने त्योहारों को मानने का, हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवलों को, सभी को। तो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं भारत के समस्त नागरिक। तो सर्वधर्म संभाव वाला है, सारे लोग अपने अपने धर्मों को मनाते हैं। ठीक है, अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं भारत। भारत अलग अलग त्योहारों का देश है, अलग अलग धर्मों का देश है भारत, अलग अलग रीति रिवाजों का देश है, अलग अलग पोशाकों का देश है। वो हमारे संविधान में शामिल है, संविधान के माध्यम से ये भारत बना हुआ है। अलग अलग भाषाओं का देश है भारत, है ना। जैसे केरल में जाएंगे तो मलयालम बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में यूपी बोलेंगे, हरियाणा में हरियाणवी बोलेंगे, पंजाब में पंजाबी। ठीक है, तो इस तरीके से तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल बोलेंगे। तो अलग अलग भाषाओं का देश भी है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कितने प्रकार के न्याय हैं हमारी प्रस्तावना में? 3 प्रकार के बेटा, 3 प्रकार के न्यायों के उल्लेख किया गया है। तो कौन कौन से न्याय है? एक सामाजिक न्याय है, एक आर्थिक न्याय है मेरे भाई, और एक राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इन 3 प्रकार के न्याय को कहां से अपनाया गया है? कहां से अपनाया गया 3 प्रकार के? 1917 में रूसी क्रांति से अपना, रूसी क्रांति से प्रेरित हैं ये तीनों। 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। तो वहां से 3 प्रकार के न्याय को हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है कि लोगों को सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक रूप से समान अधिकार मिलने चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वाले। अब देखिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं बेटा। जो प्रश्न अभी तक पेपरों में पूछे गए वो सभी प्रश्नों को बेटा मैंने लिया है। ये सभी प्रश्न पूछे गए, ये सभी प्रश्न पूछ लेने, कंटस्ट कर लेना। ये क्लास आपको डेली मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे को। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पहले ये जान लीजिए आप। 42वां संशोधन कब हुआ था बेटा? 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था। इसी को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। कैसा संविधान? लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन इसे कहा जाता है बेटा। ठीक है, 1976 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री, आपको पता है ये प्रधानमंत्री कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है बेटा, तो देखिए समाजवादी को शामिल किया गया, अखंडता को शामिल किया गया, पंथ निरपेक्ष को शामिल किया गया, सभी को शामिल किया, सभी को शामिल किया गया था प्रस्तावना में। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष तीनों शब्दों को जोड़ा गया था बेटा, है ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देश्य का को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? जो प्रस्तावना है हमारी, जो उद्देश्य का है हमारी, उसे कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा बेटा? कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर या 29 अगस्त? तो उद्देश्य का को कब अपनाया गया? उद्देशिका को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका को अपनाया गया। इनमें से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 1975 में कौन सा शामिल नहीं था? तो देखिए, संप्रभुता, समानता, अखंडता, बंधुत्व। तो कौन सा शामिल नहीं था? अखंडता नहीं था। अखंडता को बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अखंडता को बेटा? 1976 में जोड़ा गया था अखंडता को, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1946 में। समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी जो शब्द है, समाजवादी जो शब्द है वो प्रस्तावना में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? संशोधन 1942-46 है ये सभी। यह संशोधन 52वां या 36वां संविधान संशोधन था। 36वां, 52वां, 46वां, 42वां। तो कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है बेटा, समाजवादी शब्द को। ये सारे प्रश्न पूछ रखे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? कौन सा शब्द बेटा? पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब क्या होता है? सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव। भारत में जो भी धर्म है वो कैसे है? समान है। सभी धर्म कैसे समान है? सर्वधर्म समभाव कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया साहब, 1976 में जोड़ा गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होता है? भारत एक गणतंत्र है, यानी कि गण राज्य भी आ सकता है इस पॉइंट की जगह। भारत एक गणतंत्र या गण राज्य, इसका अर्थ क्या होता है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कैसा शासन नहीं है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। भारत में सार्वभौमिकता, भारत में सार्वभौमिकता है बेटा। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रख लेना। यूपीएसआई के लिए, पीसीएस, आरओ, आरओ के लिए, सभी के लिए काम आएंगे। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? क्योंकि संविधान आरंभ होता है जनता तो लोकतंत्र, जनता के जनतंत्र, हम भारत के लोग, या इनमें से कोई नहीं। भारत में सार्वभौमिकता, जो भी लोकतंत्र होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र किससे है? जनता के माध्यम से। तो ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में बेटा कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? अब तक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है बेटा। कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है ना। तो इसमें ऑप्शन है जैसे 2 बार, 3 बार, 1 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार। 1 बार प्रस्तावना में अभी तक बेटा संशोधन हुआ है। सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। और कब हुआ है? 1976 में, 1976 में सिर्फ 1 बार हुआ है बेटा। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना। प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है प्रस्तावना के भीतर? तो देखिए, बात करते हैं कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं होती है यहाँ पे। विचार की है, विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। आर्थिक न्याय दिया गया है। आर्थिक क्या दिया गया है? प्रस्तावना के अंदर न्याय दिया गया है। तो आंसर ये हो जाएगा, है ना बेटा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय प्रस्तावना का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है बेटा? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना आत्मा कहलाता है। प्रस्तावना आत्मा कहलाता है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना आत्मा कहलाता है। आगे देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं? कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय है। क्या आंसर हो जाएगा? 3 प्रकार के न्याय है। किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था? किसने कहा था संविधान की आत्मा, संविधान की प्रस्तावना को? तो अगर बात करें तो इन लोगों में से कई पुस्तकों में जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा था उद्देशिका को। बाकी के बी आर आंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। बी आर आंबेडकर ने किसे कहा था? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। इसी प्रकार से बेटा डेली टॉपिक मिलेगा आपको। संविधान का ये पहला टॉपिक है और सभी क्वेश्चंस भी मैं साथ में कराया करूंगा जितने प्रश्न पूछे गए। ये प्रस्तावना का टॉपिक था, सभी प्रश्न करा दिए मैंने। इन प्रश्नों को लिख लेना, नोट कर लेना, क्लास को 2 बार 3 बार देख लेना। और इसके प्रश्नों को पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसे आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरीके से लगातार चलेगा। और सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा जो पढ़ रहे हैं, जितना भी स्कोर आपका पुलिस में आ रखा है, पढ़ाई को मत छोड़िए। पढ़ाई आप करते रहिए, प्रश्नों को आप करते रहिए, रिवीजन आप करते रहिए, है ना। पढ़ाई को ना छोड़िए, क्योंकि 3-4 महीने के दौरान आने वाले जनवरी के लगभग, जनवरी के महीने में फिर नई भर्ती आने वाली है, बहुत शानदार और बम्पर भर्ती आने वाली है पुलिस की। और भी बहुत सारी परीक्षाएं, दिसंबर में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना ही है जो बहुत सारे बच्चों ने भर रखा है, उसके लिए भी आप पढ़ते रहिए और लगातार रिपीट करते रहिए, पुराने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगाते रहिए। इस टॉपिक के साथ जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए आपको, वो कौन से पढ़ाए, प्रीवियस ईयर्स के पढ़ाए जो पुराने पेपरों में पूछ लिए गए। ये सब पुराने पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं सभी पूछ लिए गए बेटा, ठीक है, सभी प्रश्न पूछ लिए गए, तो सभी को आप नोट कर लेना, लिख लेना। ये एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है आपकी, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहां से नोट्स बनाते चलिए। और संविधान की क्लास आज से शुरू है, डेली आपको एक क्लास मिलेगी, डेली एक क्लास मिलेगी। और जुड़िए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, कोई दिक्कत शक समस्या कहीं लगी हो तो उसके विषय में भी आप बताएं। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।